बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो वेरी गुड। आई एम लारी बामेर, इंग्लिश टीचर ऑफ IIUI स्कूल, डिंगा कैंपस। यस स्टूडेंट्स, वी वाज रीडिंग आवर फर्स्ट लेसन, जिसकी हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आंसर क्वेश्चंस का फर्स्ट सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था। एंड नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व दैट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 1B। विजिबल हो रहे ना आप लोगों के पास? यस, देखिए जरा 1B। नाउ डिस्कस द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके जी, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक एनी फेल्ट व्हेन शी सॉ द अदर स्टूडेंट्स ऑन द वे टू स्कूल? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये डिस्कस करके ये आप लोगों ने लिखने हैं। पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये कंपैरेटिवली थोड़े से लॉन्ग होंगे। होप आपने कल वाला काम किया हुआ है। किया है ना सबने? वेरी गुड। बट आपके नोट्स रेडी हो रहे हैं और आप लोग इनको ज़रूर साथ साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखते जाएं, ताकि आपके लिए एट द एंड कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। वापस आते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू यू थिंक एनी फेल्ट व्हेन शी सॉ, कैसा एनी को फील, हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है एनी फेल्ट, एनी ने फील किया व्हेन शी सॉ द अदर स्टूडेंट्स ऑन द वे टू स्कूल? आप मुझे अब इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे। सोचें ज़रा, शाबाश, क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका? वैसे अगर देखा जाए बेटा, आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन खुद करने चाहिए, बिकॉज मैं आपको सारा लेसन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे जी, द अदर स्टूडेंट्स न्यू, लिख रही है ना, रीजन इसका आप लोगों ने खुद क्रिएट करना है, बल्कि आप लोग इसका आंसर खुद ही लिखेंगे। खुद लिखें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर आप लोग मैच करेंगे कि ये वही आंसर है जो मैंने बताया। इफ़ यस, तो फिर आपको इस सारे यूनिट की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। इफ़ नो, देन यू हैव टू लर्न दिस लेसन अगेन। आप लोग वीडियो रीप्ले करेंगे और सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, इसके साथ में आपने रीज़न भी लिखनी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा। वट इज़ द इफेक्ट ऑफ रिपीटिंग द वर्ड न्यू इन द फर्स्ट पैराग्राफ? हमने फर्स्ट पैराग्राफ जब पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था न्यू का वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है। जो वर्ड न्यू है कि उसके पास न्यू बैग था, न्यू शूज़ थे और न्यू बुक्स थी, तो बार बार ये वर्ड यूज़ हो रहा था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये वर्ड बार बार यूज़ हो क्यों रहा था, तो इसका चले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है? इसका आंसर है आप लोगों के पास, पेंसिल्स हैं ना सबके पास, लिखते जाएं जी। इसका आंसर है, इट शोज़ दैट हर ईच एंड एवरी थिंग इज़ अप टू डेट। उसकी सारी चीज़ें नहीं थी ना, तो उन्होंने इसीलिए न्यू पे फोकस रखा हुआ था कि उसकी हर चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे आज। अब फर्स्ट वन आपने खुद करना है और लिखना भी है, और नेक्स्ट भी आप लोगों ने खुद लिखना है, और इन दोनों क्वेश्चन को याद भी करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन की रीज़न लिखना नहीं भूलना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की रीज़न ज़रूर लिखनी है, क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सुबह करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और घर वालों को तंग नहीं करना, और पढ़ना भी है साथ साथ, ये आपने मस्त लिखने हैं, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।